मुझे ये पता है कि ये मेरे करियर की पहली फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, ये मेरा करियर की ये पहली थ्रिलर फिल्म भी है, इससे पहले मैंने कोई थ्रिलर जॉनर में कोई और फिल्म नहीं की है. सो दिस वॉज समथिंग वेरी न्यू टू मी एंड ही इज द मास्टर ऑफ थ्रिलर्स. सो आई एक्चुअली गॉट टू लर्न सो मेनी डिफरेंट वेरियस डिफरेंट थिंग्स एंड स्टफ अबाउट द मूवी. But apart from that, I must say ki it was very exhausting experience. But साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा interesting और खूब मज़ा आया नाशा का character perform करके, क्योंकि जो ये किरदार है इतना it's not just like a glam doll kind of a character, but बहुत ही amazing amalgamation है दो different worlds का, जहाँ पर वो एक strong, fierce, independent लड़की है, उसके साथ ही साथ वो काफ़ी vulnerable, real और helpless भी है. और कई कुछ ही फिल्म्स होती हैं जिसमें इस तरीके का किरदार आपको निभाने को मिलता है. जब फिल्म की बात आई तो आपने अनाउंस किया, उसके बाद क्या वजह थी कि वशी को आपने कास्ट किया, पहली चॉइस क्या थी? सी एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन मुझे भी लोगों को पूछना है, आई मीन आप लोगों को, क्या बोलते हैं क्या वजह है उनको कास्ट करने की. मैं पूछना चाहता हूँ क्या एक आप एक वजह बताओ कि उनको मैं कास्ट क्यों ना करूँ. ठीक है, सो मेरे पास तो बहुत सारी वजह है. तो जो आप 9 मार्च को देखोगे आप वो खुद जान लोगे, और एक्चुअली आपको तो ये जान लेना चाहिए बिकॉज आई हैव शोन द ट्रेलर इन एवरीथिंग. गाना है, परफॉर्मेंस है, लोकेशंस है, ऑफ कोर्स मैं हूँ, आई मीन टी सीरीज का म्यूजिक है, बहुत सारे आई मीन ज़्यादा पैसा लगे हुआ, ज़्यादा लगा हुआ दिस टाइम ऑन H24. सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कमिंग टू द थिंग इट्स लाइक आपको एक नया कैरेक्टर चाहिए होता है जो ऑडियंस ने वो देखा नहीं होता, एंड आप अगर आप वो दिखा दो तो आई थिंक कहाँ ना कहाँ आप 30-40% गेम आप वहाँ पर जीत जाते हो. और जब ट्रेलर आता है और गाने आते हैं तो मोर 20-30% गेम वहाँ पर जीत जाते हो. तो कहाँ का आई नीडेड अ कैरेक्टर हु लुक्स ग्लैमरस, जो वनरेबल भी हो. एंड आई थिंक जिस तरह से मूवी में जो शेड्स बन के आए उर्वशी पे, एंड ऑफ कोर्स ऑल द अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो, इट हैज़ कम आउट वेरी गुड. एंड आई एम वेरी मच श्योर मैं आप जो अभी मैं बोल रहा हूँ 9 मार्च को सब मेरे साथ एग्री करेंगे. ये एक फिल्म में हर कैरेक्टर ग्रे है. सब पूरे पॉजिटिव नहीं है, पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, इंक्लूडिंग जो सबसे ज़्यादा आई थिंक ग्रे है वो विवान का कैरेक्टर है. लेकिन देर इज़ अ बिग पोर्शन ऑफ विवान कैरेक्टर दैट इज़ अ नाइस मैन, लाइक यू नो आप यूल फील फॉर विवान कैरेक्टर, यूल फील फॉर हर, यूल फील फॉर उर्वशी ऑल्सो. एंड बट उर्वशी द फीलिंग्स विल बी डिफरेंट, लाइक ही जस्ट डेमोंस्ट्रेटेड दैट वो अलग वाली फीलिंग्स है. और दोनों गाने उर्वशी के वो अलग ही फीलिंग्स है. बहुत ठीक है, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म इज उर्वशी. But everybody, including Ihana, has a very vital role to play, and it's nothing to do with lead or anything. It's a team and effort. And I think वो दिन चले गए यार. हाँ, वो lead मतलब lead से किसी को bother होता था कि अरे यार ये lead है, मैं lead क्यों नहीं. I think उससे फिर सबसे पहले तो फिर उन्हें ये होना चाहिए कि मेरा grey कम होना चाहिए, दूसरे का grey ज़्यादा होना चाहिए. I think she is on the poster because of a reason. वो reason आपको 9 मार्च को film देख के ही पता चलेगा कि वो reason क्यों है. Because she's probably the only one in the film who has a scene with all of us and has a moment or a characteristic moment with all of us. So that's why she's the protagonist.